casting accessory. वेलकम बैक टू जी सलाम नमस्ते कैलगरी में आपको तो जलाल आपकी खिदमत में हाजिर मेरे साथ सलमा जी भी हैं और ऑफ कोर्स यू गाइस आर वाचिंग एंड लिसनिंग पकवान सेगमेंट ऑन सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुर संगम ऑफ कोर्स हम जो हमारे पहले गेस्ट थे समीरा बहन शी वाज फ्रॉम द राजपूत कैटरिंग नाउ वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एज वेल फ्रॉम द दावत रेस्टोरेंट मार चौधरी याकूब साहब और उनके साथ जाते जुनेद चौधरी भाई सर ऑफ कोर्स जो अस्सलाम वालेकुम एंड ये वेलकम टू आवर शो वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच आप जो है पाकिस्तानी पिक्चर में कभी आपने काम किया पाकिस्तानी मूवीज में जब पाकिस्तान में आप व्यूअर से कम नहीं लग रहे थैंक यू सो मच अगर
नहीं आप जो है ओनर बन के आए हैं आज बराबर रेस्टोरेंट के। सबसे पहले आपका ये पहली बार रेडियो पे है जो लोग देख रहे सुन रहे हैं, पहली बार है? पहली बार है। चलो ये हमारी जो है जो है खुशनसीबी है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मौका दिया है और खास करके सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इस तरह बेहतरीन प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं। हम तो हमारे पेट की पूजा कर रहे हैं जरूर, वो तो साथ साथ चलता है, लेकिन ये भी है कि अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आप सभी लोगों को लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इससे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है रेस्टोरेंट का या उनकी फूड का, तो इससे बहुत अच्छा। जी जी बिल्कुल, ये हमारा मकसद था। हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए, तो हमने कहा एक जो लास्ट ट्यूसडे होगा महीने का वो सिर्फ इस रेस्टोरेंट्स के लिए होगा। फिर हमने सोचना शुरू किया इसका नाम क्या रखना चाहिए। फिर हमने सोचा चले पकवान नाम रखते हैं, जरा अच्छा लगता है सुनने में भी अच्छा लगता है। हाँ, जिस तरह पाकिस्तानी चैनलों में मसाला है जी, कोई किसी तरह का अच्छा नाम है पकवान। तो फिर हमने सोचा चले इसका नाम हम पकवान रखते हैं। तो अब लोग फेमिलियर हो गए काफी के भाई ये आखिरी ट्यूसडे को आप देखें कौन से रेस्टोरेंट वाले लोग आ रहे हैं। तो बहुत सारी व्यूइंग हमारी होती है आज के दिन, और हम फिर अब खाना खा के हम पोस्ट करते हैं कि बिरयानी ऐसी थी कि ये खाना ऐसा था और बहुत अच्छा था और क्या था क्या नहीं। फिर हम लोग खाकर और फिर मेरे हस्बैंड तो वेट करते हैं, कहते हैं आज क्या आने वाला है। उनका देखे आप वो जब लाएंगे हम आपके लिए लाते हैं, तो वो बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। ये आप लोगों का बहुत अच्छा है कि पहले खाएंगे फिर कमेंट्स देंगे, कि अगर अच्छा लगा है चीज है तो बिल्कुल तारीफ करेंगे, अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है के साथ। और अच्छा लगता है कि यू नो खुद जैसे कोई जैसे अच्छा खाना पकाता हो कोई और वो चखे उसको एकदम से अच्छा लग जाए तो वो तो तारीफों के फूल बांध देंगे ना। सुनने में स्वाद है सारे अच्छा। ये जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये तो ये जो हम दोनों ने ली है चखने की। तो अपने याकूब भाई आप जो है सबसे पहले जो है चौधरी याकूब कौन है, आपने खाने का कब से स्टार्ट किया, कब से? क्योंकि ये है बड़ा यूनिक क्या होता है आर्ट है जी। ये जो है हर कोई का काम नहीं है, तो आपके बारे में थोड़ा बताएंगे फिर हम जो है रेस्टोरेंट के बारे में बात। बेसिक मेरा तलक कसूर से है, गांव है खरेपड़, उसके कसूर लाहौर लाहौर के पंजाब पाकिस्तान में जी के। तो वहां से मेरा तलक है और मैंने बीए किया हुआ है। बीए किया माशाल्लाह। और मेरा पहले कोई नहीं था ऐसा कि कोई मैं फूड में जाना है ये वो, लेकिन 2008 में मैंने डिप्लोमा किया बेकिंग कुकिंग में। अच्छा वहीं पे? नहीं नेपाल में। नेपाल में तो आप लाहौर से नेपाल कैसे पहुंच गए? बस किसी वजह से नेपाल चला गया था। अच्छा। और वहां मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा। तो डिप्लोमा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार इसमें मजीद काम करना चाहिए। अच्छा। सीखना चाहिए। अच्छा। तो सीखते 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 फिर मैं कनाडा आ गया। तो कनाडा आके मैंने एक इधर मशहूर रेस्टोरेंट है वहां जॉब की। आप यहाँ कब आए? मैं 2014 में। अच्छा, तो आपको भी 5 ही साल हो गए। अच्छा अच्छा, बहुत नए हैं जी। तो मैंने वहां फिर कुछ सीखा कुछ, मुझे मैं ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर था इसमें कुकिंग मेकिंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने कोशिश की। अच्छा, इस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई। तो आपके जैसे होता है ना, कोई खानदान ऐसे होते हैं कि पश्तों से उनके घरों में शौक होता है किसी को, और वो फिर वो जैसे बाप को शौक था और बेटे ने देखा या बेटी ने देखा उनको शौक हुआ, तो आपके घर में किसी को शौक था खाना बनाने का? बिल्कुल नहीं जी, मेरा खानदानी पसमंजर से जिम्मेदार है और जिम्मेदार वो काम करने वाले और होते हैं। लेकिन ये बेसिक है, मैं स्टूडेंट था और हॉस्टल में रहा हूँ 4-5 साल। तो जो बंदा हॉस्टल में रह रहा है अगर उसको कपड़े इस्त्री करना और कुकिंग करना नहीं आता तो वो स्टूडेंट और रह नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे जाहिर है कि बंदे को थोड़ा सा पकाने का या खाने का शौक हो तो बंदा कोशिश करता है, कोशिश करता है। जी जी। तो यू नो आपको याद जब आपके जो स्टूडेंट डेज में, तो आपने पहला कौन सा पकाया था जो आपको पसंद नहीं आया था? मुझे मैंने चिकन कढ़ाई बनाई पहली दफा। अच्छा। हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे बाहर गए बजे शालामार बाग में थी। शालामार बाग वहां से बगैर इजाजत लाए कोशिश की जी। मुझे उन्होंने कहा कि आप चिकन कढ़ाई बनाए, तो मैंने बनाई तो वो सभी ने बस
कह कू के मुझे छोड़ दिया, तो मुझे साहस हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहिए। तो उसके बाद फिर जाहिर बंदा कोशिश करता है, जब भी आप बाहर जाते हैं कहीं भी कैप लगाते हैं स्टूडेंटों के साथ कहीं जाते हैं, तो इस तरह चलते चलते फिर लेकिन ये जरूर है कि जब अल्लाह ताला को मंजूर होता है इंसान की नीयत ठीक होती है तो खुदा ताला जरूर फल देता है। तो बस खुदा को मंजूर था तो कनाडा आ गए। आप कितने, आप तो यंग ही हैं अभी भी, तो आप आए तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर? पहले तो माहौल डिफरेंट था, क्योंकि जब पाकिस्तान का कल्चर होता है यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है, तो वो सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल है, आप सारा कुछ है। तो आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस। तो इंशाल्लाह एम तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस का कोई मिल जाए तो आपकी पार्टी से वही होगी बिल्कुल। तो सर वो क्या कहते हैं अपना हाथ, क्या अपना जो है सर कड़ाई में हाथ पांचों तो यू नो याकूब भाई जब आपने ये जो है डॉज रेस्टोरेंट खोला खाने बन रहे हैं, तो अगर अल्लाह ताला जाहिर उसकी मदद करता जो खुद इंसान कोशिश करता बिल्कुल, तो क्यों ना हो कि मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो थोड़ा सा दूसरों से हटके खाने ट्राई करूं और एक्सपेरिमेंट करूं तो अल्लाह ताला कामयाबी दे। तो इस जेन के साथ मैंने ये फिर रेस्टोरेंट बाय किया और ट्राई की। तो आप मेन शेफ हैं? जी। ओ माशाल्लाह। फिर आपके साथ और हैं? जी जी, मेरे पास और स्टाफ है, चार लोग हैं। अच्छा, ओके। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हट के, तो उसका आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे, क्या मतलब, क्या आपने सोचा कि मैं हट के बनाऊं? उसमें ये है कि एक तो रेगुलरली हम लोग चार पांच डिशेज हैं, सभी का खाना बहुत अच्छा है जी। सभी का बहुत अच्छा है जी। और हर बंदा ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो किसी के गाने खाने में कोई नुक्स नहीं है जी। तो मैंने सोचा कि अगर चिकन कढ़ाई इस तरह बन रही है तो क्यों ना मैं लाइव बनाऊं, गोट कढ़ाई अगर इस मीट की बन रही है तो क्यों ना मैं फ्रेश की बनाऊं। अच्छा। मैं उसमें अगर एक डॉलर मुझे प्रॉफिट है तो मैं उसमें 25 ले लूं और अपने रेपुटेशन बना। तो एक तो ये है कि फिर दूसरा बारबेक्यू में वो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ लेके आया। तो उसमें क्या मुख्तलिफ किया आपने? कसूरी फिश है स्पेशली, और चर कसूरी फिश, फिश फिश, ओ कसूरी फिश जी। तो ये कहां से लाते हैं आप ये फिश, कहां से लाते हैं? फिश तो इधर मार्केट से लेते हैं, लेकिन उसकी रेसिपी बिल्कुल रेसिपी कसूर की और कसूर की है। और दूसरी बात है कि आपको शायद पूरी कैलगरी में इस तरह की फिश नहीं मिलेगी, ये बात है बिल्कुल। वाव। और दूसरा जो गोट कढ़ाई है जी, वो भी मैं ग्रांटेड कह सकता हूँ कि इस तरह की कोई नहीं बनाएगा। अच्छा, वो क्यों ऐसा? वो इसलिए कि जितनी मेहनत मैं उसके ऊपर करता हूँ या जिस तरीके से बनाता हूँ उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो आप आज हमें टेस्टिंग के लिए आप क्या चीज लेकर आए? देखिए जी, दिल तो चाह रहा था कि जितनी डिशें सारी छूट जाए। क्या बात, हमारी तो पूरी दावत हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेट नहीं हो सका, लेकिन मैंने फिर भी हर डिश अपने लिए तो समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है सभी जी। तो मैं आप लोगों के लिए आई कसूरी फिश। अच्छा। और मटन कढ़ाई लेके आया, प्लस बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो ताकि अगर आप खाएंगे तो तब भी, जैसे सिस्टर ने भी बोला है कि हम खा के उसके बाद कमेंट्स, यस उसके बाद ही हो गया। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर, नहीं तो जरूर फीडबैक देना कि भाई साहब ये देंगे। तो यार ये अपने आपकी जो फिश है कसूरी फिश, ये तो नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, कसूरी फिश। तो यू नो जो हम पाकिस्तान में खाते थे, आप जो पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे हम जो है यहाँ के लोगों को हम खिलाते हैं,
तो आपको जो है कैसा लगता है कि आपको जो है मजा आना चाहिए यार, चलो आज ये खा लो, अभी जैसे आपने जो आज इतना बहुत लिया है, बहुत लिया आपने, तो आपको जो है दिल में अंदर में आपको जो पैशन है यार चलो मेरे को ये खिला दू वो खिला दू, तो ये भी बड़ी बात है, ऐसा दिल में होना चाहिए और जो है खुद को भी जुनून होना चाहिए कि मैं उसको एक गेट टेस्ट कराऊं। ये बिल्कुल 100% ये है कि मैं कभी भी कोई दोस्त आते हैं या समटाइम बहुत सारा कोई फैमिली आती है ऊंच नीच होती है जी, तो कभी भी मैं चीपा नहीं बना, नहीं। कभी मैंने सोचा नहीं है कि ये चीज महंगी है ये सस्ती है या फलां, ये तो इस्लाम में भी है कि आप कोई मेहमान आता है तो उसके लिए आप सबसे बेहतरीन चीज पेश करें। जी बिल्कुल, तो कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छी चीज, और जो मैं अपने बच्चों के लिए मैं उनको बोलता हूँ कि ये अगर 10-20 डिशे हैं तो जो आपका दिल चाहता है वो खाओ, तो अगर मैं अपने बच्चों को कह सकता हूँ तो फिर वो आप भी खा सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये आप ना खाएं तो इसका मतलब हमें बहुत से लोग देख रहे हैं जिसमें मुराद भी है, जहर करमाली, अरशद, मिनाज, नूरदीन, अमित, दाऊद, मुराद, रोजावल, कैसो यार, दविंद्र शोरी जी, रजब, अदनान, सफारी ग्रिल, ये भी देखें सफारी ग्रिल, थैंक यू सो मच अली। तो यार अपन जुड़े थोड़ा थोड़ा माइक उठा, थोड़ी बात करो अब्बू के बारे में, थोड़ा बात करो अब्बू के बारे में। तो यू नो आप अपने अब्बू को देखते हैं कि यू नो ही इज अ हेड शेफ बेसिकली धोनी के जो है, तो तुमको अंदर से कैसा लगता है यार कि जो अल्लाह ने इतना जो है मासा खूबसूरत जो रेस्टोरेंट भी दिया है, कैसा अंदर से फील होता है? नहीं, खुशी तो होती है कि रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत है, टेस्ट भी है, तो खुशी होती है, साथ में मदद भी करने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स वो अलग चीज है कि हमारा नहीं कर सकते तो जितनी है तो उतनी मदद करते हैं, बाकी फिर अल्लाह ताला देने वाला है। तो फिर फोन अब्बू का आता है कि आज मैं थोड़े से दोस्तों को लेकर आ रहा हूँ। हाँ, ये बहुत कम करते हैं। अच्छा, ये तो छोटा बच्चा हो गया, आसिम छोटे वाले अभी कितने साल का हो? वो भी आया नहीं है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो उसका काम होता है कि वो अभी निकलेगा ना, तो वो उसको पता है कि अगर वीकडेज पे 10 बजे बंद करना है, वीकेंड पे 11 बजे करना है, तो आधा पौना घंटा पहले वो 2-4 दोस्तों को लेके आया और वो उसका बहुत ज्यादा होता है कि वो उसको ज्यादा ये है कि मैं जितने भी दोस्त आ सके जी, जितने भी आ जाओ यार आ जाओ, तो वो ज्यादा करता है। तो जुनैद आपके दो बेटे सबके घरों में वही हाल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब वो लोग नचाते हैं अपने माँ बाप को उंगली पर। तो यू आप जो पाकिस्तान में थे, खाना बनाते थे, यहाँ पे बनाते हो, लोगों को पेश करते हो, तो वहाँ की पब्लिक यहाँ की पब्लिक में क्या फर्क लगता है? और बेसिक अगर सच्ची बात तो ये है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दें, अच्छी चीज दें, बैठने के लिए खूबसूरत और क्लीन जगह दें जी, तो यहाँ भी लोग इज्जत। अगर आप उनको खाना सही नहीं दे रहे, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आ रही है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे हैं तो यहाँ भी ऐसे हैं, बल्कि यहाँ लोग पाकिस्तान में भी अच्छे हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तानी हम भी यहाँ पाकिस्तानी हैं, तो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी से उनके साथ नहीं चलेंगे तो लाजमी बात है वो। तो फिर आप भी वो जो बारबेक्यू टुनाइट के जो तीनों भाई हैं, वो जो पठान हैं, जो जिनका बारबेक्यू टुनाइट है कराची में, तो वो आते हैं वहाँ पे चक्रे लगाते हैं, तो आप भी इसी तरह करते हैं? नहीं। मैं यकीन जानो कि अगर देखा जिससे मैंने सीखा है वो बंदा भी बहुत मेहनती है और ईमानदार, तो मैं कोशिश वही 100% कर रहा हूँ कि किसी तरीके से अगर एक बंदा जो मेरा साथी, एक तो मैं किसी को ये नहीं कहा कि मुझे कोई बंदा बॉस के नाम से नहीं पुकारे, कोई अगर बच्चियां काम कर रही है तो उन बेटियों की तरह रखा है, उनको बोला है कि आपकी इज्जत में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं, बेटियां कह रही है। अगर जो मेरे साथ अंदर साथी काम कर रहे हैं जी, तो उनको भी लगाया कि मुझे कि यार ये ना समझे कि ये काम नहीं कर रहा, अगर बर्तन धोने हैं या कोई ऐसा करना है तो मैं खुद करता हूँ पहले, उसके बाद ताकि उनको फील ना हो। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ये ऐसे नहीं है कि बस गया चक्कर लगाया जैसे, और मैं सुबह से लेके रात को लेट नाइट तक वहाँ रहता हूँ और मेहनत करता हूँ। जी, मेहनत का फल तो मिलता है। तो यू नो आजकल जो वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपके यहाँ टीवी वगैरह है, देख सकते हो? हाँ जी, 4-5 टीवी है। अच्छा, मैंने किचन में टीवी लगाया हुआ है। ओ वाह। हाँ जी, मैं सुबह जाता हूँ तो जाके मैच है तो मैं भी मैच देखता हूँ। आज सुबह पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है गाइस, पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई, दे हैव टू विन।
तो यू नो एक सवाल, जब भी हम जो है पाकिस्तान में रह रहे हो, अगर सदर के इलाके में कहीं भी जाए कराची में, वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाए तो वहाँ पे तकरीबन 200-300 लोग खा रहे होते हैं एक साथ लंच टाइम पे, लेकिन जो सर्वर होता है वो एक दो ही होते हैं, तो उसको किस तरह याद रहता है कि जो जलाओ के इतने पैसे उसके इतने पैसे। लेकिन वो अभी जैसे मैं काउंटर पे जाता हूँ तो काउंटर पे जो बंदा बैठा होता है उसको बोलते यार इनकी तो इसके कितने पैसे, वो बराबर हो रहा है कि इसके इतने, तो उनको ये 150-200 लोगों में से किस तरह याद रहता है बंदों को वो, ये बड़ी महाल का काम है। एक तो पाकिस्तान में थोड़ा सा और सिस्टम है, यहाँ और है, यहाँ तो टेबल के नंबर लगे हुए, स्टाफ जाएगा उस टेबल का जो ऑर्डर है वो कंप्यूटर में डालने के बाद वो सेंड कर देगा और उधर चला जाएगा जो भी उसका सेंड करता है, जब उठेगा उनको पता है कि ये टेबल नंबर 13 है 14 है 1 है 2 है जो। लेकिन पाकिस्तान में ये सच है कि वो जो बंदा सर्वर जा रहा है और वहां वहां दे देगा कि कितने पैसे है, हां उसको याद कैसे रहता है, क्योंकि उनका काम है, उनका बिल्कुल उनको उनको इतना उनका एक्सपर्ट हो जाती है कि उनको याद होता है कि इसके इतने पैसे हैं, ये चीज आई है ये। दूसरी बात ये वो आप पाकिस्तान में भी स्लिप पे लिख के साँसा लगाती जाती है और उसको हिसाब से भी पता होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है। और लोग जो सर्विस वाले क्यों जो अच्छा सर्विस सर्वर है उसको पैसे इसलिए ज्यादा देते हैं कि वो एक्सपर्ट होता है, एक्टिव होता है, उसको पता होता है कि क्या। बड़ी बात हुआ। तो आपका रेस्टोरेंट अनवर मखानी 6 डेज के 7 डेज के 7 डेज आपका रेस्टोरेंट 7 डेज। एंड क्या टाइम है आपके? ये सुबह 10:30 बजे से लेके हम वीकडेज में 10 बजे तक और वीकेंड में 11 बजे। तो आप इतना काम करते हैं तो आपको ये नहीं होता कि मैं 6 डेज करूं और एक दिन छुट्टी लूं, यू डोंट फील लाइक कि इस तरह से थकावट तो हो जाती है इंसान है, लेकिन फिर दिल चाहता है कि अगर मैं बेशक जो काम कर रहे थे बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बड़ी हार्ड वर्किंग करते हैं, तो दिल में ये भी होता है कि यार मैं कोशिश करूं कि किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो जाए। और बंदा खुशी के साथ जब करता है ना, बर्डन या बोरियत या टेंशन नहीं होती, जब बंदा खुशी के साथ कर रहा होता बंदा थकता नहीं है। जो भी आपके पैशन होता है ना, चाहे आपको किसी चीज में भी हो, चाहे आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, सिंगिंग में हो, इसमें उसमें, जो भी आप इतने शौक से, आपको पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गुजर गया। तो ये सही बात है कि बीइंग अ शेफ इज एन आर्ट। अगर शौक से आप कर रहे हैं, शौक से, लालच में नहीं कर रहे हैं। अगर आप लालच में कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार यहाँ से मैं होता है कुछ नीच करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ना तो खुदा साथ देता है ना इंसान की बॉडी साथ देती है। और जब आप ईमानदारी से और बड़े शौक से कर रहे होते हैं तो आप बंदे को परवाह कोई नहीं होती, साथ है, साथ सारे मिलजुल के एक टीम वर्क हो रहा होता है, कभी ये मैं थोड़ा सा इधर हो गया, उधर हो गया, वो इधर हो गया, तो इस तरह फिर इतना फील नहीं होता। तो यू नो आपके रेस्टोरेंट में जो 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 है कितनी कैपेसिटी है, अगर किसी को पार्टी वार्टी करनी हो तो बड़ी जगह है आपका, क्या है जी? 100 अभाव तो हम नीचे बैठाते हैं। अच्छा, आपकी दो लेवल है? दो लेवल, नीचे हमारी जगह इतनी 100 से ऊपर है। अगर कोई पार्टी 150 की हो तो हम एक्स्ट्रा बीच में जगह इतनी है कि सीटें लगा देते हैं, और ऊपर हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं। तो कोई दावत इस तरह की हो, अगर लेडीज अलग बैठना चाहें तो ऊपर जगह है, हम बफे अलग ऊपर लगाते हैं, नीचे अलग है, तो इस हिसाब से मैंने अभी तक 1100 बजे तक की है। 1100 तक, तो अभी माशाल्लाह इस पूरे वीक में, अगले वीक में 300 से कम कोई केटरिंग नहीं है, और ऑलमोस्ट 300 से ऊपर है, बल्कि मेडिसन हर तक 350 की सारी केटरिंग है, एडमिंटन में 350 की केटरिंग है। एडमिंटन तो अब तो ये क्या है, तो आपकी जो केटरिंग वहां जाएगी? वहां जाएगी, ओ माशाल्लाह, वहां से लोग आके केटरिंग का बुक करवा के गए हैं, बल्कि दो तीन महीने की पहले पहले की बुकिंग है। अरे क्या बात है, वाह। तो फिर जब केटरिंग को कराता है तो फिर आप लोग डिलीवर करने जाते हैं, किस तरह से होता है? बार दोस्त ऐसे हैं जो खुद बगैर जाते हैं, बार जगह पे हम जाते हैं। अच्छा। वहाँ अपना सेटअप लेके जाते हैं, सारा लेकर जाते हैं, हमारे पास है तो हम वहाँ बाहर बफे लगाते हैं। एक या दो दोस्त जाते हैं वहाँ। अच्छा। वो जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है वहाँ रहते हैं। मैं भी जाता हूँ, जो भी मेरे सारे। अरे वाह, क्या बात है। आपकी जैसे कि किसी रेस्टोरेंट की कोई स्पेशलिटी होती है, आपकी स्पेशलिटी क्या है?
मेरे हिसाब से तो सभी हैं। मेरे आपके सारे बच्चे अच्छे हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो आसम यकूब जो है वो शरारती है, जुनैद बड़ा नाइस है, तो वो बोलेगा पापा आपने मुझे ऐसा कह दिया। नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनकी हैबिट, उनका उठना बैठना फिर भी थोड़ा सा चेंज होता है। जी जी जी। तो हमारे लिए तो खाने सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हम सिग्नेचर के तौर पे पेश करते हैं वो वही कसूरी फिश और दूसरा आपका मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई आपकी दोनों सिग्नेचर डिशेस हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो आपका आपके तंदूर के नान होते हैं? तंदूर नान होते हैं, बारबेक्यू लाइव होता है, फ्रेश होता है और तंदूर के अंदर होता है। अच्छा। हाँ जी, हमारा सारा बारबेक्यू जितना भी है वो तंदूर में होता है। तंदूर के अंदर ही। हाँ। अरे वाह। तो आप कोई कहाँ पर एड्रेस वगैरह क्या है इसका? आपकी एड्रेस बताएं हमारे देखने सुनने वालों को। हाँ, जुनैद बोलो। बंगला बाजार के पास, बिल्कुल बंगला बाजार और इस्लामिक सेंटर जो नॉर्थ सेंटर। जी जी, इनके बिल्कुल साथ। अच्छा, साथ ही। अरे वाह, बहुत ही नजदीक। ये तो और भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि रेस्टोरेंट में आए, नमाज का टाइम हो, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के रेस्टोरेंट में जाइए, तो अल्लाह ताला का और बड़ा एहसान है। ये तो अल्लाह ताला का और बड़ा एहसान है। और खास करके हम बड़े खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि ये मस्जिद के साथ हमें रेस्टोरेंट दे दिया। जी जी, ये तो अल्लाह ताला ने। ये पूरे रमजान में हम जितना हो सका, जितना हो सके इत्तेकाफ में दोस्त बैठे हैं। कब खुला, कब था ये दावत रेस्टोरेंट? ये हमने 2018 में जुलाई में खोला। हाँ, तो बिल्कुल नया है ना। हाँ, इसीलिए तो काफी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। जी, जी, तो अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप आ जाएं और बहुत ज्यादा पता चल रहा है लोगों को कि कहाँ है, कैसा है, कौन सी सिग्नेचर डिशेज है। किसी भी रेस्टोरेंट में लोगों को कसूरी फिश नहीं मिलेगी। ये भी गोट कढ़ाई भी जो हम कह रहे हैं, ये तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि बहुत अच्छी सभी बनाते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हम बड़े फखर से कह सकते हैं कि हम जैसी नहीं बनाते, हम जैसी। अच्छा, ये जो आपके जो दोस्त है विराट कुरैशी जी, जो मेरे भी दोस्त है। जी जी। तो ये कौन चीज है, क्या चीज है ये? बेशक तो अल्लाह ताला ने ये हमें नेमत दी है क्योंकि मेरे कसूर में ये काफी देर रहे हैं। अच्छा, ये कसूर में रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन है और अभी तो मेरे फैमिली मेंबर हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उनकी जितनी भी तारीफ की है उतनी कम। अरे अरे वाह, क्या बात। और इंतहाई नाइस, नाइस पर्सन है। ये नहीं है कि वो सुन रहे हैं या कोई ऐसी बात है, देख रहे, बल्कि मैं किसी और दोस्त को एक दिन कह रहा था, तो ये मेरे साथ बातें कर रहे थे, तो चले गए, तो मुझे ये कहने लगे कि आपके अजीज है। मैंने कहा हाँ जी। और बात चीजें ऐसी होती है कि अल्लाह ताला अगर आपको अच्छा दोस्त दे दे, जी ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। तो उनमें से हम खुशकिस्मत है कि बिलाल जैसे, मोहतरम बिलाल भाई जैसे हमें दोस्त मिले, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और खुदा ताला उनको और खुशी। और जुनैद की अम्मी को शौक क्या है? जी वो अच्छी मनाती है। अच्छा, आपका साथ देती है? नहीं नहीं नहीं, वो उनकी कोशिश तो है, वो चाहती है, लेकिन मैं समटाइम ये कह देता हूँ कि बंदे का खाना बनाना कमर्शियल और घर में बनाना और है। जी। ये अच्छा, घर में कौन बनाता आपके भाई? नहीं, मैं तो अनफॉर्चुनेट जब ये रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था तो मुझे एकदम कहने लगे कि आप उधर काम करते रहे हैं तो बिरयानी बनाई। मैंने कहा अच्छा यार। फिर कहा बिरयानी बनाई, मैंने कहा जी मैं बिरयानी ठीक बना दी। तो ये पूरा रमजान मेरे पीछे लग रहे बिरयानी बनाता रहा। मैंने उसके राइस थोड़े से खिला दिए। उन्होंने कहा कि मुझे बिलीव ही नहीं था कि आप अच्छा खाना बना सकते। तो इसलिए वो अभी अभी भी वो कभी जुनैद से या आसम से पूछेगी कि वाकई आपके पापा खाना बनाते हैं? समझ नहीं था, लेकिन वो अच्छा खाना बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि वाइफ है, लेकिन वो खाना अच्छा बनाती है और मुझे फीडबैक शाम टाइम कुछ चीज खा के जाएगी तो फीडबैक मिलेगा। और कभी हाँ जी, गुलाब जामुन भी जो हम बनाते हैं वो भी स्पेशल। क्या बात है। अच्छा, वो क्यों स्पेशल है, इसमें क्या है? उसमें बहुत सारी रेसिपी इस तरह की है कि वो अगर जिस तरह हम मसाला देते हैं ना कि गुलाब जामुन मुंह में रखे तो वो उसको मैश।
चाहिए। तो वो आप खा के चेक करेंगे तो फिर मजा आएगा, पता चलेगा। ऐसे मैं अगर कहूंगा तो शायद मजा नहीं आएगा। चले जा रहे गुलाब जामुन खाने के लिए। मैंने पहले कहा जी के दावत रेस्टोरेंट में आप लोगों की दावत है। शुक्रिया, मेरे मियाँ तो बहुत खुश होते हैं। वो अच्छा खाना उनको अगर मिल जाए, ओहो हो, वो तो तारीफ ही तारीफ में पुल बांध देंगे। वो बहुत जैसे कहते हैं ना, इंजॉय करते हैं अच्छा खाना। और कोई भी उनको मिल जाए तो, और कोई घर पे आ जाए तो वो शौक से खिलाते हैं। और कोई उनको मिल जाए कि वो खाता है तो बहुत खुशी होती है ना। कोई लोग नहीं खाते, लेकिन जब वो खिलाते हैं और कोई सामने से खा रहा हो, ओहो हो, तो उनको तो साथ ही मिल जाता है यार। बहुत बहुत दूसरी बात ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अभी कोशिश में है जी, क्योंकि बंदा नया रेस्टोरेंट है जी, 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 कुछ और डिशें लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ईद बकरा से पहले पहले मेरी कोशिश है। अच्छा। और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और पाकिस्तान से कुछ स्पेशल वो एक दो डिशें और सीख के आ रहा हूँ। तो कोशिश है कि कैलगरी में वो अगर बंदा पूरी दुनिया में कहीं जाए तो ये गारंटी के साथ कहे कि दावत रेस्टोरेंट जैसा खाना कहीं। अच्छा जब मोहम्मद फरहान फरीदा जी, थैंक यू सो मच, एंड यासवानी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो यू नो जाते जाते अभी करीब दो तीन मिनट हमारे पास, तो अगर आप, मैं कहूँ कि आप कोई एक मैसेज दें एक लाइन में लोगों के लिए कि वो दावत रेस्टोरेंट क्यों आए। इसलिए मैं फिर रिपीट करूंगा कि सभी का खाना बहुत अच्छा है, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन ये ग्रांटेड है कि जो मसाले हम यूज करते हैं वो हम स्पाइस कहीं से शान का इधर उधर नहीं लाके करते। अच्छा। वो मैं मसाले खुद आप तैयार करता हूँ, ठीक है, स्पेशली। और हम खाना एक घंटे में नहीं बनाते। मैं अगर गोट बना रहा हूँ तो कम अज कम 4 से 5 घंटे लूंगा हल्की आँख के ऊपर। दूसरा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह जितना क्लीन है नॉर्थ ईस्ट में शायद कोई रेस्टोरेंट इतना क्लीन है। और हमारी सर्विस, हमारा फूड, हमारी किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। और इस बिहाफ पे, इस ईमानदारी के बिहाफ पे मैं कहूंगा कि एक दफा दावत रेस्टोरेंट में जरूर जरूर जरूर। और कसूरी फिश गुलाब जामुन चू हमारे चौधरी याकूब साहब, उनके साथ जो है जुनैद भाई। और आपको जैसे पता है कि इंडियन आइडल्स आर कमिंग टू कैलगरी ऑन ऑगस्ट द 2nd एट बैरा कॉन्सर्ट हॉल। टिकट्स आर अवेलेबल एट ओके, स्टार्ट फ्रॉम $65 एंड अप। आई थिंक $65 एंड $100 आर सोल्ड आउट, बट आई कुड बी रॉन्ग। तो आप जो है जल्दी जल्दी ले लीजिए, इसलिए कि हॉल उनको बड़ा मिल नहीं सका बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन एट जुबली। तो इट्स ओनली 800 टिकट्स आर अवेलेबल ऑल टुगेदर। तो अपनी टिकट्स ले लीजिए। नेक्स्ट वीक दे विल बी ऑन द शो, inshallah Lata and Bina ji will be on the show, and then we'll talk about more about it. Salman Ali, Nilanjana Ray and Nitin Kumar, they'll be in Calgary on August the 2nd. I think it'll be can't wait for those champs. I think it'll be very nice. Or Pakistan India or Pakistan and New Zealand ka match aaj subah 3:30 baje Pakistan ke liye do and die hai, so yeah. They have to win to move forward. Aaj England haar gayi, unka bahut acha benefit milega Pakistan ki team ko. So yeah. Yeah. Aur Virat Qureshi ne abhi message likha hai ki they used to do, they use their own spices. अरे हमें पता है बिलाल भाई यार, तारीफ कर करके भी की, हमारी तो तारीफ करो दो तीन के शो अच्छा जा रहा है, कि अच्छी बातें हो रही है, हम अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तानी ग्रेट टेस्ट इन केएल ग्रेट। मोहम्मद आजम काम साहब भी देख रहे हैं, हमारे जो पीसीए के जो है प्रेसिडेंट, वो भी भाई हैं और बहुत अच्छा प्यार करने वाले हैं और बहुत उनकी कोऑपरेशन मिल रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच आजम भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी जी जी। और हमारे जो है मेरे बहनों ही देख रहे हैं पाकिस्तान, मोहम्मद अली, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। तो शर्मा जी, जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, अच्छी अच्छी बातें पता चली। हमें बहुत खुशी है कि आपका ये रेस्टोरेंट जब भी एक ही साल हुआ है सिर्फ, और इतना अच्छा जा रहा है, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आपकी सिग्नेचर डिशेज जो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, जैसे कि कसूरी फिश और कढ़ाई और आपकी गुलाब जामुन, तो इस
आप सब लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा और ना आपको पता नहीं चलेगा, और हमारा फीडबैक हम कल देंगे, चक्कर खाना फिर आपको फीडबैक देंगे। और मुझे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि फीडबैक बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने वाला है, जिस तरह से इन्होंने हमसे ये बताया है तो वो तो अच्छा आएगा। और लेकिन आप खुद जाके ट्राई करिए, जब तक कि आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि खाना कैसा है, क्योंकि इंसान जब ट्राई करता है तो उसको पता चलता है कि कैसा खाना है। एग्जांपल एग्जांपल आप किया कि पहले खाएंगे उसके बाद फीडबैक दीजिए, तो जरूर पहले आएगी, खाएं उसके बाद। तो यू नो इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, जो हमारे जो पहले जो थे राजपूत रेस्टोरेंट वाले थे, आप अब भी आइए, आप उनके बच्चे भी, आपके बच्चे माशाल्लाह जो है जो है यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा दिल हमारा समर तो गया, अभी बच्चों का जो आई थिंक इनका फ्यूचर भी है, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि बच्चों को आपने यूनिवर्सिटी और आप एजुकेशन पूरा करवा। मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ जी, अल्लाह ताला देने वाला है कि मेरी कोशिश 100% की ये पढ़े जी, और पढ़ के बेशक इसी फील्ड में है, लेकिन जो अगर ये पढ़ के आएंगे इनको पता होगा कि इस काम ने करना क्या है, और ये जो हमारे दोस्त हैं सारी फैमिली से इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनको चाहिए क्या। तो अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही आम काम चलता रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि, और दुआ भी है, कोशिश भी है कि अल्लाह ताला करे। बिल्कुल, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आजकल के जमाने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जरूर करें अपनी कंप्लीट, उसके बाद आप जो भी करना चाहें, जहां भी आपका पैशन हो आप उसको परसू करें, लेकिन एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसमें अगर आसिम दोस्तों को भी ले आए कोई बात नहीं, तुम भी ले जाओ, लेकिन चूंकि ये बाहर होता है तो मुझे नहीं पता चलता, वो आसिम जो है वो जो लाएगा तो उसने किचन में आना है, मुझे पता चलेगा वो स्पेशली कह देगा कि ये चाहिए, खुद अगर आके बनाना शुरू कर देगा। लेकिन इनको एक दो चीजें का बड़ा ज्यादा करेगा, मटर बिरयानी बना लेगा तो ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश रखे, बहुत ज्यादा बरकत दे आपको आपके नहीं, हम अपने सारे हमारे जो लोग हैं, हम चाहे कहीं से भी हो, हम चाहते हैं उनकी जो रोजी जिस तरीके से भी वो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा उसमें बरकत हो, और आप ये हमेशा से फले फूले इसी तरह से आपके बच्चे भी, और हम दुआ करते हैं आपके लिए। और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली आप लोगों से। और देखें ये अच्छा लगा ना कि हमारे सुनने वालों को देखने वालों को पता चला कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, दावत क्या चीज़ है, क्या क्या मिलता है वहाँ पर। तो ये हमारा मकसद है कि हम लोगों तक आप लोगों के बारे में। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आप लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और ये अल्लाह ताला का मेरे ख्याल सभी जितने खास करके रेस्टोरेंट वाले बिजनेसमैन है उनको तो शुक्र अदा कर दिया अल्लाह के बाद आप लोगों का, कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि बंदा अपना ये इसकी कोई कास्ट नहीं है, दिल की बात निकाले, बात निकाले और इंसान खुल के बातें करे, और एक तारफ सभी कम्युनिटी को तारफ हो जाता है। बिल्कुल, ये आप लोगों की बहुत बड़ी नेकी है कम्युनिटी के लिए। और अभी जो है मोहम्मद आजम साहब का मैसेज आया है कि इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, दावत रेस्टोरेंट मैनेजमेंट हैज बीन सर्विंग दिस कम्युनिटी विद ग्रेट सर्विस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आजम, अल्लाह ताला आपको जिंदगी खैर दे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का स्पेशली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी चाहिएगा जुनैद भाई, थैंक यू सो मच। मुझे बिलाल भाई कह रहे थे कि यार वो बहुत जो घबरा रहे हैं, बात नहीं कर सकेंगे, आप बोलना, मुझे कहीं लग तो नहीं रहा आप घबरा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं थी, वो उसके साथ शुगर है, कब बात है वो। वैसे मैं आपको बताऊं जो भी मैं सॉरी आपको बात जी, एक चीज ये भी होती है कि कैमरे का सामना करना मुश्किल होता है, ये सच्ची बात है, लेकिन अगर आप जैसे दो फ्रेंडली माहौल हो तो फिर फील भी नहीं होता। चलो जी, वही मैं कहने चाह रही थी कि कई लोग आते हैं तो थोड़े घबराए हुए होते हैं और कहते हैं पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे और हम क्या जवाब देंगे, तो हम कहते हैं जस्ट आए,
और ऐसे हैं कि हम अपने सिटिंग रूम में बैठे मजे मजे की बातें कर रहे हैं और इसी तरह लोगों को मजा आता है सुनने और देखने का। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम थोड़ा मजाक करें, थोड़ा हंसें, थोड़ी हंसी मजाक में ये बातें पूछते रहे तो आप भी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं और हमको भी मजा आता है। इसी तरह होता है, ऐसे हुआ भी ऐसे ही है जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और जो अल्लाह आपको और दे। गाइस इनका एड्रेस है 4825 वेस्टमैन ड्राइव नॉर्थ ईस्ट, 4825 वेस्टमैन ड्राइव नॉर्थ ईस्ट। इनका फोन नंबर है 403-923-4500 और यू कैन जस्ट गूगल इट दावत, इट्स ओके ओके। दावत इज DAAWAT दावत रेस्टोरेंट कैलगरी। अल्लाह आपको और दे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस ये थे हमारे दावत रेस्टोरेंट के चौधरी याकूब साहब और उनके जो है उनके फर्जंद जुनेद भाई। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक वी गोना हैव, बहुत बहुत सबका बहुत मजा आया, आप लोग हमें वॉच करते हैं, हमारा इससे हमें बहुत बड़प्पन मिलता है कि आप लोग हम लोग को देखते हैं, हमें कमेंट्स देते हैं और इसी तरह आप हमारे को सपोर्ट करते रहिए। हम पकवान में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के ओनर्स शेफ सब लेकर आएंगे तो आप लोगों को इसमें मजा आएगा, जाके खाना खाइए, पता चलेगा आपको कि खाना कैसा है। तो इंशाल्लाह हमारे अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। तो अगले हफ्ते हमारे साथ जो लता जी होंगी एंड बीना जी, वी गोना प्रमोट इंडियन आइडल्स इन कैलगरी, दे आर कमिंग ऑन ऑगस्ट 2nd और फिर मिलेंगे और फिर हमारे एक और गेस्ट होंगे, वो कौन होंगे और कल हम जो पिक्चर्स लगा देंगे और फिर विल गिव यू आवर ऑनेस्ट ओपिनियन कि हमें यहाँ पे जो डिशेज आई वो जो है कैसी लगी, ऑनेस्ट ओपिनियन, कोई इसमें रिश्वती चलेगी याकूब भाई। बहुत अच्छे लगा कि आपकी ईमानदारी भी इनके पहले खाएंगे, इसलिए लोग हमें लोग वेट कर रहे हैं हमारे 100%। मैं बहुत खुश हुआ ईमानदारी। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड सत श्री अकाल, नमस्ते एंड या अली मदद।